अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। मेरे आँख में आंसू आ गए, अनियन मैंने कट किया है, सॉरी। तो मैं बॉम्बे बिरयानी की रेसिपी आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, जो बहुत ईजी और बहुत टेस्टी बनती है। ज़रूर बना के देखिएगा। देखो, सब लोगों का अपना मेथड अलग होता है, बनाने का अलग तरीका होता है। तो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ, मैं वो तरीका आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। और बहुत कम चीज़ों में और बहुत जल्दी बनती है और बहुत टेस्टी बनती है, तो जो है आप लोग ज़रूर बना के देखिएगा। तो हमारे को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, मैं आज चिकन की बना रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो बड़े की गोश्त की या मटन की भी सेम इसी मेथड को फॉलो करके बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या चाहिए हम लोगों को। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। तो मैंने यहाँ पर जो है 5 बड़े साइज़ की जो है अनियन ली है और 2 टमाटो लिया है। मैंने टमाटो ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि मैं दही की क्वांटिटी ज़्यादा डालूँगी। और मैंने यहाँ पर ऑयल भी रख दिया है गरम होने के लिए। और ये 5 हरी मिर्ची है, तेज़ वाली है, मैंने 20 से स्लिट इसको जो है मारा है। ये हो गया। और फूड कलर है, क्योंकि मैं जो है आज लेयर वाली बिरयानी बना रही हूँ, तो उसके लिए जो मैं फूड कलर डालूँगी। और बॉम्बे बिरयानी में अगर आलू ही ना हो तो वो कहाँ से बॉम्बे बिरयानी हुई। तो मैंने जो है 2 आलू को जो है 20 से कट करके 1/4 किया है मैंने इसका। और ये कर्ड है, तो कर्ड की क्वांटिटी जो है हमेशा बिरयानी में आप लोग ज़्यादा रखा करिए, तो उससे क्या होता है ना, टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बिरयानी बहुत अच्छी बनती। तो ये फुल जो है 300 ग्राम के ऊपर जो है ये दही है हमारी, ठीक है। और मैंने यहाँ पर जो है चिकन को जो है धो के वॉश करके लिया, तो ये एटलीस्ट मेरा 1 kg चिकन होगा। एक्चुअली ये फ्रिज में था तो मुझे इसका आइडिया नहीं है, तो मैं आप लोगों को बताती। और मैं इसमें थोड़ा गरम मसाला पाउडर यूज़ करूँगी और मैं कोई चीज़ नहीं डालूँगी, आप लोग देखिएगा। और हमारी लाल मिर्ची का जो पाउडर आता है, हरी मिर्ची तो ऑलरेडी तेज़ है, लेकिन थोड़ा मैं वो ये भी यूज़ करूँगी, ठीक है। और ये जो बिरयानी मसाला आता है, शान का या फिर एवरेस्ट का या नेशनल का, या आपके पास जो बिरयानी मसाला अवेलेबल हो तो आप जो है वो बिरयानी मसाला जो है 2 टीस्पून भर के डालिए। मैं आप लोगों को स्पून बता देती हूँ, रुकिए। तो उससे क्या होता है ना, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये साइज़ का स्पून अगर रहेगा ना, ये साइज़ का देखिए, तो 2 टीस्पून फुल भर के डालिएगा। तो चलिए, मैंने आप लोगों को जो है ना मसाले बता दिए हैं सारे। और हमारे को कोथमीर चाहिए जब हम लेयर के लिए वो करेंगे, और नींबू चाहिए रस उसका। तो मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दिया है, तो बिना वक्त ज़ाया करे जो है हम लोग बिस्मिल्लाह करते हैं। ऑयल मेरा गरम हो गया है और अदरक लहसुन भी चाहिए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जो है अनियन इसमें ऐड कर देती हूँ गोल्डन फ्राई होने के लिए। कोई खड़े गर्म मसाले नहीं, कोई चीज़ नहीं। और आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर टेस्टी नहीं बनी बिरयानी तो आप मुझे बताइएगा कि अरे कुछ भी रेसिपी अपलोड कर दिए करके, ऐसा नहीं है, बहुत ज़बरदस्त बनेगी, बस मेथड यही फॉलो करिएगा। तो मैं अनियन को जो है रेड करके आप लोगों से मिलती हूँ। और मैं खड़े गर्म मसाले इसलिए नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो बिरयानी का मसाला आता है उसके अंदर आपको सारे खड़े गरम मसाले रहते हैं। तो अनियन जो है एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। मैं यहाँ पर जो है 2 टीस्पून भर के इसमें जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी। डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करके मैं आपको बताती हूँ। तो जो है मैंने अदरक लहसुन डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और मैंने 3 टीस्पून भर के जो है इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है। मैं इसमें चिकन और जो है हमारा आलू वो अभी मैं ऐड करूँगी, ठीक है। तो मैं जो है चिकन डाल के आपको दिखाऊँगी। तो चिकन डालने के बाद में ना हम लोगों को अच्छे से जो है इसको मिक्स करके लेना है मीडियम फ्लेम पर, ठीक है। मीडियम फ्लेम पे हम चिकन जो है इसमें मिक्स करेंगे और साथ साथ इसमें है ना मैं ये हमारा जो मैंने आलू कट किया है ना ये भी ऐड कर दूंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है चिकन जल्दी गल जाता है और आलू जो है लेट गलता है, और इसलिए मैं जो है इसको पहले ही ऐड करूंगी। अगेन हम इसको जो है मिक्स करेंगे, ठीक है।
तो आप जो है अपने चिकन के हिसाब से जो है ना मसाला, जो बिरयानी मसाला हम ऐड करेंगे, तो आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, और अभी ही मैं इसमें जो है हमारा जो बिरयानी मसाला है मैं अभी ही ऐड कर दूंगी, तो मैं पूरा डाल दी हूँ यहाँ पे। मैंने आप लोगों को बताया ना 2 टीस्पून भर के रहता है करके, तो ये देखिए मैं इसमें इसको ऐड करके अच्छे से मिक्स करूँगी। तो मैंने जो है बिरयानी मसाला डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है। मैंने इसमें हल्दी, नमक और कोई भी चीज़ जो है अभी इसमें कुछ भी नहीं डाली है। अगर आप चाहें तो इसमें आप धनिया का पाउडर जो आता है हमारा कोरिएंडर पाउडर, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको मसाला ज़्यादा बनाना है तो जो है आप जो है डाल सकते हैं। देखिए अभी इसमें इतना माशाल्लाह मसाला हो गया। अभी इसी जो है टाइम पे मैं इसमें जो है कर्ड ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया। मैंने इसमें हल्दी वल्दी कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि जो हमारा बिरयानी का मसाला होता है ना उसमें हल्दी वगैरह सब पड़ी रहती है, तो इस वजह से मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो और जो मैंने ग्रीन चिली स्लिट मारा था वो मैं इसमें अभी ऐड कर दूँगी, और साथ साथ मैं इसमें टमाटो भी अभी ही ऐड कर दूँगी, ताकि ये जो है ना जब ये हमारा चिकन कुक होगा तो साथ साथ हमारा टमाटो भी जो है ना पटैटो के साथ, चिकन पटैटो टमाटो पूरा जो है एक साथ सब जो है एकदम अच्छे से कुक हो जाएगा। और याद रखिए कि अभी तक इसमें नमक ऐड नहीं हुआ है, ना आप लोग सोचे कि डाल दिए क्या है क्या नहीं करके, तो अभी तक मैंने जो है इसमें नमक ऐड नहीं किया। तो अपने टेस्ट के हिसाब से जो है आप नमक की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं कि कितना चाहिए करके। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून भर के डाल रही हूँ और मैं थोड़ा और डालूँगी और इसको जो है हम अच्छे से कुक होने के लिए रख देंगे। और मैं थोड़ी जो है लाल मिर्ची इसमें ऐड करूँगी अभी, लाल मिर्ची का जो पाउडर आता है, ताकि जो है बिरयानी थोड़ी स्पाइसी बने। और याद रखिएगा कि जो हरी मिर्ची हमने लिया है वो भी तेज़ है, तो उस हिसाब से जो है आप यूज़ करिएगा, नहीं तो आप ज़्यादा डाल दें और फिर पता चले कि वो चिकन की नहीं और मिर्चों की बिरयानी रेडी हो जाए वो। तो चलिए इसको कुक होने देते हैं, फिर मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो इसको हम लोगों को जो है ना मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। कितनी देर में लेग पीस कुक होती है या बचत का चिकन कुक होता आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। बहुत जो है फ्लेम फुल नहीं करना, नहीं तो सारा जो इसका मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा और चिकन कुक नहीं होगा। और ये बहुत इजी तरीके से बनता है, लेकिन बहुत लजीज और बहुत टेस्टी बनता है। तो चिकन कुक होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, जब तक जो है आप चावल वगैरह जो है सोक करने के लिए रख दीजिए। बीच बीच में देखते रहिएगा, नहीं पता चला कि आप चढ़ा के बैठ जाए और मसाला हमारा जो है लग जाए। तो देखिए चिकन ने कितना मॉइस्चर रिलीज किया है, ठीक है। अब हमको बस कुछ करना नहीं है, इसी चिकन तो जो है मेरा ऑलमोस्ट आधा जो है कुक हो चुका है, और बस इसी पानी में जो है हम लोग को चिकन को भून के ले लेना है, एकदम थिक ग्रेवी रख लेना उसकी, ठीक है। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को बीच में एक बार दिखा देती हूँ, ठीक है फिर। तो मैंने चिकन चावल के लिए मैंने पानी रख दिया है। आप चावल को 2 तरीके से कुक कर सकते हैं, ब्लर तो नहीं है। पहला तरीका ये कि या तो आप चावल को सोक करके पानी निथार के जो बनाते हैं आप उस तरह बना सकते हैं। सेकंड मेथड ये कि आप चाहे तो जिस तरह हम लोग नॉर्मल पुलाव बनाते हैं उस तरह पुलाव बना के भी आप लेयरिंग कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ पर जो है सोक करके चावल को भिगा के निथार के नहीं बना रही हूँ, मैं पुलाव के जैसे बना के तो फिर मैं उसमें लेयरिंग करूँगी। तो मैंने पानी रख दिया है, अब आप देख लीजिएगा कि आपका चावल कितना पानी जो है लेता है। और मैं इसमें जो है ना चावल पुलाव बनाने के लिए मैं इसमें जो है सिनेमन स्टिक डालूंगी, ब्लर तो नहीं है ना, हाँ, क्योंकि शूट करते करते मालूम नहीं होता कब ब्लर हो जाता है करके। तो सिनेमन स्टिक डालूंगी मैं इसमें हमारी दालचीनी, और दालचीनी के साथ साथ मैं इसमें 1-2 या 3 लौंग डालूंगी और 1 टीस्पून घी डालिए। और अगर घी नहीं है आपके पास तो आपका जो रिफाइंड ऑयल है आप वो डालिए। तो मैं इसमें वो चीज़ जो है मैं ऐड कर लेती हूँ, इसमें जो है रिफाइंड ऑयल 1 टीस्पून के करीब ऐड कर दिया है और ब्लर इसलिए, और 1 ग्रीन चिली जो है स्लिट मार के डालिए इसमें आप, और कोरिएंडर लीव्स और मिंट लीव्स तो थोड़ा थोड़ा वो भी ऐड कर दीजिए।
मैं यहाँ पर एक ही हरी मिर्ची जो है पुलाव में स्लिट मार के डालूंगी, बिकॉज ये तेज़ है, पता चला मेरा पुलाव तेज़ हो जाए। और नमक आप चावल की क्वांटिटी के हिसाब से डालिए, कि बिरयानी में भी नमक है और चावल में भी नमक है, तो उस हिसाब से आप जो है मैनेज कर लीजिए कि कितना लगेगा करके। ठीक है, तो मैं 1 kg चावल डाल रही हूँ, तो 1 kg के हिसाब से मैंने यहाँ पर 3 teaspoon भर के जो है नमक डाला है। अब मैं इसमें कोथमीर भी डाल देती हूँ। तो देखिए मेरा कलरफुल सा पुलाव मैंने यहाँ पर कुक होने रख दिया, आई थिंक ब्लर है। देखिए यहाँ पे चावल जो है मेरा, मैं यहाँ पर पुलाव बना के लेयर लगाऊंगी। आज मैं चावल निथार के दम वाली बिरयानी नहीं बना रही हूँ, मैं लेयर वाली बिरयानी बना रही हूँ, तो मैं पुलाव रेडी करके ही बनाऊँ। तो चावल वगैरह मैंने डाल दिया है। ठीक, लेयरिंग के लिए ये जो ऑयल है हम लोग सबसे पहले इसको नीचे डालेंगे, क्योंकि अभी हम लोग दम पे रखेंगे तो जो है बिरयानी लगे नहीं नीचे से करके, इसे सबसे पहले हम लोग इसमें ऑयल डालेंगे। और ऑयल डाल के इस तरह जो है पूरे में स्प्रेड कर लेंगे। स्टॉप कर। और माशाल्लाह से मैंने आपको बताया ना कि मैं ये वाला जो है पुलाव बना रही हूँ दम करके, मैंने जो वो वाला नहीं बनाया है। तो ये देखिए इस तरह हम लोग जो है फर्स्ट लेयर पूरी राइस की डालेंगे। अभी मैंने चावल की लेयर जो है डाल दी है और मैं फूड कलर जो है थोड़ा थोड़ा यहाँ पर स्प्रेड कर रही हूँ। और मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि मैंने गरम मसाला कम डाला है, तो मैं लेयरिंग के टाइम पे गरम मसाला का पाउडर यूज़ करती हूँ, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हार्श हो जाएगा, नहीं तो स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा थोड़ा। और मैंने जो है अनियन फ्राई किया है, तो फ्राइड अनियन भी ऐड करेंगे इसमें थोड़ा ऐसे लो। और कोरिएंडर लीव्स जो मैंने कट करके लिया है तो वो भी ऐड करेंगे। और मैंने आप लोगों को लेमन बताया था, तो नींबू का रस हम लोग जो है लेयरिंग के टाइम पे इसमें जो है हम लोग सारी चीज़ें इस तरह डालेंगे। फिर अब हम लोग इसमें जो है चिकन ऐड करेंगे हमारा। माशाल्लाह अच्छे से जो है कुक हो चुका है और बिस्मिल्लाह करके जो है हम इसमें हमारा चिकन ऐड करेंगे। देखिए मैंने ज़्यादा कुछ मसाला नहीं डाला, लेकिन फिर भी देखिए कितना ज़्यादा मसाला रेडी हुआ है। और ट्राई ज़रूर करिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, ताकि कभी भी मैं कोई भी रेसिपी अपलोड करूं तो आप लोगों को जो है ऑल नोटिफिकेशन रिसीव होता रहे। और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बनी भी बहुत अच्छी है। अब मैं इसके ऊपर जो है सेकेंड लेयर वापस से जो है राइस की डालूँगी। ठीक है, हम लोग सेम लेयरिंग करेंगे जैसे पहले की थी हम लोगों ने, सेम सारी चीज़ें यूज करेंगे। इस तरह, और आप चाहे इसको रायते से सर्व करिए या कचूमड़ बना के सर्व करिए, आपकी मर्जी। मैं अभी कचूमड़ बनाऊंगी, उससे सर्व करूंगी मैं ये देखिए। तो मैंने देखिए जो है सारा चिकन इसके ऊपर सेट कर दिया है। अब वापस से लास्ट में मैं एक बार चावल की लेयरिंग करूंगी, फिर उसके बाद मैं इसको दम पे रखूंगी। मैं फाइनल बिरयानी, अब मैं इसको जो है दम पे रखूंगी 10 मिनट के लिए। पहले 5 मिनट हम फुल फ्लेम पे रखेंगे, बचत के 5 मिनट हम मीडियम फ्लेम पे, एकदम स्लो फ्लेम पे रखेंगे, लिड को अच्छे से कवर करके, ताकि अंदर अच्छे से जो है भाप बन जाए। और जो है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने ट्राई किया कि नहीं। तो चलिए मैं इसको जो है दम पे रखती हूँ और जब मैं निकालूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो बिरयानी जो है एकदम डन हो गई है, ये देखिए लेयर्स इसके। देखिए एकदम मस्त, और आपको पीछे बहुत सारी आवाज़ आ रही होगी। देखिए मस्त बिरयानी माशाल्लाह से। और इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी या नेक्स्ट ब्लॉग के साथ मैं आप लोगों से एज़ सून मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।